नमस्कार, स्टेट मेल टॉप 10 में आपका स्वागत है। प्रदेश में 1 फरवरी से खुलेंगे 11वीं व 12वीं कक्षाओं के स्कूल। कोरोना की पहली डोज लगवाने वाले बच्चों को स्कूल में मिलेगा प्रवेश। जिले में कोरोना पर बुरी खबर, खुम्बर के 8 साल के बच्चे की कोरोना से अग्रवा मेडिकल कॉलेज में मौत। जिले में कोरोना के 34 नए मामले। फतेहाबाद के सिविल सर्जन व उनकी धर्मपत्नी कोरोना संक्रमित। फतेहाबाद के गांव ढाणी सांचला में आज ग्रामीणों ने मिलकर खोला स्कूल, बच्चों ने लगाई कक्षाएं। ग्रामीणों ने दी चेतावनी, अगर अध्यापकों ने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो गांव के शिक्षित युवा पढ़ाएंगे बच्चों को। रतिया निवासी सौतेले पिता के साथ 2.5 करोड़ के फ्रॉड करने के आरोपी विक्रम ने किया सुसाइड, महिला बैंक कर्मी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में महाराज सह सतनाम जी का 103वां अवतार दिवस मनाया। पंजाब और हरियाणा के करीब 30,000 डेरा प्रेमी पहुंचे डेरे। डेरे में पंजाब के अबोर से भाजपा के विधायक अरुण नारंग ने भी माथा टेका। हरियाणा पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा, 40 लड़कियों ने दूसरों से दिलाई परीक्षा। एसआईटी लिस्ट में जींद हिसार की अभ्यर्थी, फिजिकल नहीं देने पहुंची तो गहराया शक। कोरोना नियमों की पालना न करने वाले भाजपा जजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हिसार में आम आदमी के प्रवक्ता मनोज राठी भैंस लेकर पहुंचे कोर्ट। डीसी को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के नागौर में आसमान से 21 बार गिरे आग के गोले। राजस्थान में पहली बार उल्का पिंड गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद। इनमें छिपे हैं कई राज, पिंडों की करोड़ों में कीमत। महाराष्ट्र के वर्धा में बर्थडे से लौट रहे मेडिकल छात्रों की कार नदी में गिरने से 7 छात्रों की मौत। मृत छात्रों में 1 छात्र भाजपा विधायक का बेटा। यूक्रेन में जंग की तैयारी, रूस बॉर्डर पर तैनाती के लिए अमेरिका ने 8500 सैनिक हाई अलर्ट पर। ब्रिटेन ने भी पुतिन को धमकाया।